जिसमें अदानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे कई ऐसे एलिगेशन लाया गया है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के दो दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अदानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनी है। फर्स्ट अदानी ग्रीन एनर्जी, सेकेंड अदानी ट्रांसमिशन, थर्ड अदानी एंटरप्राइज। दुनिया का तीसरा और एशिया का पहला सबसे अमीर आदमी गौतम अदानी कॉर्पोरेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। और इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है US की हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी। जिसके बाद अदानी ग्रुप का स्टॉक्स 40% तक नीचे गिर गया और पिछले 10 दिनों के अंदर अदानी ग्रुप्स को 118 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान का सामना करना पड़ा। और गौतम अदानी दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन से 17 नंबर पे आ चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद जैसे लग रहा है गौतम अदानी के पैरों तले जमीन फिसल गई हो। और अगले कुछ ही दिनों में अदानी ग्रुप जो FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने वाला था उसे कैंसिल करना पड़ा। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रुप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सामने आने के बाद अदानी ग्रुप का स्टॉक्स 40% तक नीचे गिर गया, अदानी ग्रुप्स को कई सारे सवालों का सामना करना पड़ा और अदानी अगले कुछ ही दिनों में अपना जो FPO लॉन्च करने वाला था उसे भी कैंसिल करना पड़ा। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal. The Adani Group shares are India's Adani Enterprises is facing unprecedented firms shares have lost nearly about $48 billion. आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अदानी ग्रुप के अगेंस्ट लाया गया एलिगेशन के बारे में जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। 6 मई 1937 जर्मन की एक एयरशिप जिसका नाम था हिंडनबर्ग, इसके अंदर आग लग जाने की वजह से 35 लोगों की मौत हो जाती है और इसको मैनमेड डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जब आसमान में छोड़ा गया था तब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ज्यादा थी जिस वजह से इसको मैनमेड डिजास्टर कहा जाता है। नेथन एंडरसन जो कि इजराइल के एक सिटीजन थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडिकट से अपनी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर बैचलर डिग्री कम्प्लीट की। पहले नेथन एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस के ड्राइवर की नौकरी करते थे, बाद में ये US में आके 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ओपन करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की लगभग 5 एम्प्लॉइज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जिन भी कंपनी के ऊपर शक होता है ये उनको टारगेट करके उनके ऊपर डीप रिसर्च और उसे एनालाइज करते हैं, जिसके बारे में उस कंपनी को तो दूर की बात किसी को भी पता नहीं रहता, लेकिन बाद में ये उन कंपनी को एक्सपोज करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कई कंपनियों को एक्सपोज कर चुका है, लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये है ये कंपनी पैसा किस तरह से कमाती है। दरअसल ये कंपनी जिन कंपनी को एक्सपोज करता है उसका जो स्टॉक्स है उसे शॉर्ट सेल करके ये कंपनी पैसा जेनरेट करती है। आप लोग सोच रहे होंगे ये शॉर्ट सेलिंग है क्या? जाहिर सी बात है, हम लोग स्टॉक मार्केट में जब कोई भी स्टॉक खरीदते हैं और वो स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाने लगता है तब हम उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसका पूरा ऑपोजिट है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जिस भी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रही है उस कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट सोशल मीडिया या न्यूज चैनल में पब्लिक करने के बाद उस कंपनी की स्टॉक्स गिरने लगता है, उसी समय हिंडनबर्ग रिसर्च उस कंपनी की स्टॉक्स को शॉर्ट में सेल करके पैसे कमाता है। अदानी ग्रुप से पहले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी थी निकोला नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी के ऊपर रिसर्च करके। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन 34 बिलियन से 1 बिलियन पे चला गया था और इसके ऊपर केस भी हो चुका था। ई बैंक, प्योर साइकिल, ब्लॉकचेन, HF फूड्स और भी कई ऐसी कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिसका छक्का छुड़ाया। आप बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अदानी ग्रुप के अगेंस्ट जो एलिगेशन लाती है। 24 जनवरी 2023 अदानी ग्रुप के अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी 106 पेज का एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें अदानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे कई ऐसे एलिगेशन लाया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि अगले कुछ ही दिनों में अदानी ग्रुप का स्टॉक 80% तक गिर जाएगा। फिलहाल अदानी ग्रुप का स्टॉक 40% तक गिर चुका है। अदानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनी है। फर्स्ट अदानी ग्रीन एनर्जी, सेकेंड अदानी ट्रांसमिशन, थर्ड अदानी एंटरप्राइज, फोर्थ अदानी टोटल गैस, फिफ्थ अदानी पावर, सिक्स्थ अदानी पोर्ट्स एंड सेवेंथ अदानी उल्मा। इन 7 कंपनीज के अंदर 5 कंपनी का करेंट रेशियो 1 से कम है, यानी कि इन 5 कंपनी का प्रॉफिट
बैंक से लिया गया लोन से कम है। इन पांच कंपनी को बैंक लोन चुकाने को कहती है तो ये पांच कंपनी पूरी तरह से रोड पे आ जाएगा, क्योंकि ये पांच कंपनी अपनी जरूरत से ज्यादा लोन ले चुका है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गौतम अदानी का छोटा भाई राजेश अदानी को दो बार अरेस्ट किया जा चुका है फॉर्जरी एंड टैक्स फ्रॉड के केस में, जिसके बाद इन्हें अदानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाता है। उसके बाद आता है गौतम अदानी का ब्रदर इन लॉ समीर बोरा। समीर बोरा के ऊपर एलिगेशन है डायमंड ट्रेडिंग स्कैम का रिंग लीडर थे और उन्हें बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाता है अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के लिए। अब बात आती है गौतम अदानी का बड़ा भाई विनोद अदानी की। इस रिपोर्ट में उनके खिलाफ कहा गया है मॉरिशस में 38 ऑफशोर सेल्स कंपनी है इनके नाम पर, जो कि अदानी के स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही बड़ा असर करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की दावा है ये 38 ऑफशोर सेल कंपनी के अंदर कहीं ऐसी कंपनी है जिनका कोई ढंग का वेबसाइट नहीं है, कहीं ऐसी कंपनी है जिसका कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन विनोद अदानी की ये 38 ऑफशोर सेल कंपनी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिस वजह से अदानी ग्रुप का स्टॉक्स को मैनिपुलेशन करने में बहुत ज्यादा मदद होती है। फोर्ब्स के मुताबिक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर विनोद अदानी की ये 38 ऑफशोर सेल कंपनी का 2.2 बिलियन का इन्वेस्ट कर चुका है। इसी तरह से अदानी खुद को पूरी दुनिया के सामने इतना अमीर रिप्रेजेंट कर पाता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसी तरह से अदानी 75% स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के दो दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अदानी डूबता है तो LIC और SBI में आम इंसानों का पैसा भी डूब जाएगा। 29 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का काउंटर करते हुए अदानी ग्रुप ने 413 पेजेस का एक रिप्लाई किया है, जिसमें अदानी ग्रुप उनके ऊपर लगाया गया एलिगेशन के ऊपर नाकोच करती है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।